डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लिखना हम लोगों ने देखा था, कैसे हम डिफरेंट मॉलिक्यूल चाहे सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स का हम लोग स्ट्रक्चर लिख पा रहे थे। अब थोड़ा सा अगर ट्रिक लगा दिया जाए तो हम लोग थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। वो काम ये है, जैसे मान लिया ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग काउंट करने का फॉर्मूला जानते हैं, रूल्स पढ़े हुए हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कुछ और अगर इफर्ट कर दें टेक्निकली, तो हम लोग बिना कोई फार्मूला यूज किए, बिना कोई अगर हम रूल अप्लाई किए, हम स्ट्रक्चर से ही हम चाहें तो फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों हम निकाल सकते हैं। तो हम थोड़ा उसी के बारे में आज आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर हमें स्ट्रक्चर अगर किसी मॉलिक्यूल की पता चल जाए तो हम बिना कोई रूल यूज किए, बिना कोई फार्मूला यूज किए, हम डायरेक्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और फॉर्मल चार्ज कैसे हम दिखा सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। हम दो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत होती नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता हूँ, बड़ा आसान सा सबको आता है। तो अगर H2SO4 में सारे एटम का अगर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो, फॉर्मल चार्ज निकालना हो, तो कैसे हम निकालेंगे? सिंपल से मॉलिक्यूल सबको आता है, इसका स्ट्रक्चर हमको लिखने आता ही है। आप देख रहे हैं कि आपका ऑक्सी एसिड है, इसमें सल्फर आपका हो जाएगा सेंटर एटम, तो सेंटर एटम को आप सल्फर में तो यहाँ पर सेंटर में लिख दीजिए। फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चार यहाँ पे ऑक्सीजन है और दो हाइड्रोजन है। रूल हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन किस फार्म में होते हैं? OH के फार्म में होते हैं। S के साथ आप दो OH रख दीजिए, यहाँ पे दो हमारे पास यहाँ पर OH हो गया। और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि अभी हमारे पास आउट ऑफ फोर ऑक्सीजन एटम टू वो हमारे कंज्यूम हो गए, बच गए अभी टू। और टू कैसे दिखाना है? उनको भी आपको सेंटर टर्म के साथ ही जोड़ना होता है। O की वैलेंसी आप जानते हैं टू होती, तो हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, सारी बात हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। इस तरह से ये हमारा H2SO4 का स्ट्रक्चर हो गया। तो स्ट्रक्चर तो पता चल गया, लेकिन हम यहां पर चाह रहे हैं कि हर एटम का आप फॉर्मल चार्ज निकालिए और हर एटम का यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करिए। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर की हेल्प से हम यहां पर फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम आपको रिवाइज करा दें, हालांकि सारी बात आप लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मल चार्ज होता है वास्तव में आप जानते हैं एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है और इसको फाइंड करने का जो एक फार्मूला छोटा सा होता है वो आप जानते हैं कि ये सिंपली क्या होता है कि अगर आप पहले मान लें बात करें सल्फर की, तो सल्फर जब कंबाइंड स्टेट में नहीं रहेगा, मतलब जब ये फ्री स्टेट में हो, मतलब आइसोलेटेड कंडीशन हो, तो उसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा उसमें से कंबाइंड स्टेट में अब इसके पास जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर घटा देंगे, तो फॉर्मल चार्ज निकल जाता है। एक छोटा सा फॉर्मूला आप फाइंड करेंगे, वो क्या होगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड, आप चाहे इसको आइसोलेटेड कहिए और चाहे फ्री कहिए, बातें की है इन आइसोलेटेड कंडीशन या आइसोलेटेड एटम लिख दे रहे हैं, माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंबाइंड स्टेट। पता सिंपली स्ट्रक्चर में करना क्या है हमको कि हमारा जिस किस्म हमको सल्फर का निकालना है, तो सल्फर के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हम सब लोग जानते हैं कि सल्फर आप जानते हैं 6 ग्रुप का है, उसके बाद 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइसोलेटेड मतलब हो गया जब वो कंबाइन नहीं किया है, फ्री कंडीशन में है, और इसमें हम सबका जानते हैं सारे टर्म का हम जानते हैं, ग्रेडुअल में पड़े हुए हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 हो जाएगी। और स्ट्रक्चर में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि इसके पास कुल कितने यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है कंबाइंड कंडीशन में। तो इसके लिए सिंपल सी बात आप याद रखिए, मान लीजिए यहाँ पर सल्फर का मुझे पता करना है, तो अगर मुझे सल्फर का पता करना हो, यानी मुझे पता करना है फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, तो सल्फर के आइसोलेटेड कंडीशन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कम जाते 6 होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और माइनस कंबाइंड स्टेट में हम सोच जाते हैं सारे बॉन्ड कैसे हैं, सबके सब बॉन्ड हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड का जानते हैं हर कोवेलेंट बॉन्ड में सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पर 1 होगा, और यहां पर 1 होगा, और यहां पर भी 1 होगा। तो आप देख रहे हैं कि कुल मिलाकर सल्फर अपने नेबरिंग या कंबाइनिंग के अनुसार यहाँ पर 6 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो जितने बॉन्ड वो बनाएगा उतने ही आप जानते हैं इसके पास प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, दिए हैं प्रेजेंट टाइम में। तो इस तरह से आइसोलेटेड कंडीशन में भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और कंबाइंड में भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, यानी 6 माइनस 6 यानी कि 0, यानी यहाँ पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं आएगा।
सल्फर पर यहाँ पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए मैं इस वाले O की बात करूं जो डबल बॉन्डेड O है, यहां भी अगर निकाला जाए तो आप सब लोग जानते हैं अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले आपको लोन पेयर निकालना अच्छी तरह आना चाहिए। और आपने पहले ही देख लिया, मैं फिर दोबारा बता दूं कि जब O की वैलेंसी 2 होती है, O जब डबल बॉन्ड बनाता है या दो सिंगल बॉन्ड बनाता है तो O के पास आप जानते हैं कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं O की बात करूं, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन अगर ऑक्सीजन की बात किया जाए तो फार्मूला क्या है, ये है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड कंडीशन, वो कितना होता है तो आप जानते हो काबे 6 ही होता है सल्फर की तरह, ये हो जाएगा 6 और माइनस प्रेजेंट टाइम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है O के पास, तो आप देख रहे हैं कि जितने बॉन्ड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड वाले हो जाते हैं, तो डबल बॉन्ड में से 2 इलेक्ट्रॉन O के शेयर का यहाँ आ जाएगा और 2 पेयर यहाँ बचे हुए हैं, यानी कि 4 हमारे पास लोन पेयर वाले हो गए और 2 हमारे पास बॉन्ड वाले हो जाए, अगेन यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 माइनस 6 यानी यहाँ पर भी आपको 0 ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इसका यूज करके किसी भी अगर स्ट्रक्चर को अगर आप देख रहे हैं तो उसमें सारे के सारे एटम का फॉर्मल चार्ज आसानी से निकाल लेते हैं। और फॉर्मल चार्ज की रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करते समय बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो फॉर्मल चार्ज को आप ढंग से याद रखिएगा। फार्मूले से आप लोग निकालना पहले सीखे तो भी आप यूज कर सकते हैं, तो फार्मूले से भी चाहे इन्फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर लिखना जानते हैं तो फार्मूला लगाने की आवश्यकता कोई आवश्यकता आप होती नहीं है, डायरेक्ट सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड कंडीशन और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंबाइंड स्टेट में, अगर आप इसका करें तो सिंपली 2 नंबर का डिफरेंस देख के हम यहाँ फार्मूला चार्ज निकाल सकते हैं। तो किसी का भी आप आसानी से ट्राई कर सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हो कोई भी एटम हो उस पर आसानी से फार्मूला चार्ज निकाल सकते हैं। इस समान में मैं एक और एग्जांपल ले लूं, मान ली हमारे पास आपका कार्बोनेट आयन है CO3-2। हाँ, बस एक बात ध्यान देना है कि उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखने आपको ढंग से आना चाहिए, हमको लिखने आता है, सब लोग जानते हैं यहाँ पर कार्बोनेट है तो सेंटर एटम कौन सा हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा, कार्बन हमारा हो गया सेंटर एटम, और बाकी 3 O क्या हो गए, ये हमारे हो गए कंबाइनिंग एटम हो गए, लिंकिंग एटम हो गए। तो इस सेंटर एटम से 3 O को आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो मान लीजिए हमने एक O इधर रख लिया, एक O हमने मान लो यहाँ कर लिया, एक O हमने यहाँ कर लिया, इस तरह से। हाँ, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, और O की कितनी होती है, 2 भी होती है, और जरूरत पड़ने पर सिंगल भी हो सकती है। तो कार्बन की अगर हम वैलेंसी 4 करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देता हूँ तो बाकी सब में O में मेरा डबल बॉन्ड तो लगेगा नहीं, अदरवाइज C की वैलेंसी 6 हो जाएगी, होती केवल 4 ही है, तो 4 कैसे पूरा करें कि बाकी जो रिमेनिंग 2 O हैं आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, सबको लिखने आता है। तो C की वैलेंसी पूरी हो गई, इस O की वैलेंसी पूरी हो गई, लेकिन ये जो 2 रिमेनिंग 2 O हैं इन पर तो कोई आप देख रहे हैं वैलेंसी पूरी हुई नहीं, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 होती है, लेकिन मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जब O की वैलेंसी यहाँ पर 2 होती है तो उस कंडीशन में इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन जब O की वैलेंसी केवल यहाँ पे 1 होती है तो आप जानते हैं इसके पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। इस तरह से ये बात आपको समझना है कि जब O की वैलेंसी 2 होती है तो O पे यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं, और जब O की वैलेंसी 1 होती है तो यहाँ पर क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं। तो इस तरह 3 लोन पेयर यहाँ भी हो जाएंगे और 3 लोन पेयर आपके यहाँ भी हो जाएंगे, इस तरह से। अब यार देखिए, अगर हम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज अगर लिखना चाहें तो चलो मैं कार्बन शुरू करता हूँ, सेंट्रल एटम कार्बन से। तो कार्बन आप जानते हैं 4th ग्रुप का एलिमेंट है, और कार्बन जब 4th ग्रुप का एलिमेंट है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि आइसोलेटेड कंडीशन में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूं फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, हमें क्या मिल जाएगा, फार्मूला क्या है कि आइसोलेटेड कंडीशन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन में 4 होते हैं सबको पता है, हम लोग का हो जाएगा 4 और माइनस कंबाइंड स्टेट में कितने हैं, तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है आपको कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो जितने बॉन्ड कार्बन बनाएगा उतने इलेक्ट्रॉन इसके कंबाइंड स्टेट में होंगे, क्योंकि शेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन आप कार्बन के साथ नहीं गिनना है, याद रखिएगा। तो हर बॉन्ड का एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिना जाए कार्बन के साथ, तो कार्बन देखिए 1, 2, 3, 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, कोई लोन पेयर यहाँ पर है नहीं। तो इस तरह से आइसोलेटेड कंडीशन में कार्बन के पास आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंबाइंड में कितने हैं, 4 ही हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि 4-4 अगेन यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कार्बन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इस O के पास आऊं जो सिंगल बॉन्डेड है, जरा इसको देखिए आप,
मैं इस ओ की बात कर रहा हूं, यानी मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पर हम फार्मल चार्ज देख रहे हैं। तो ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है सिक्स होते हैं, हो जाएगा हमको मिल जाएगा सिक्स, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए सिक्स माइनस कंबाइन स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है तो इस बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉनों के साथ काउंट होगा, और देख रहे हैं साफ साफ थ्री लोन पेयर यहां दिखाई पड़ रहे हैं, तो थ्री लोन पेयर के सिक्स इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के हो गए वन यानी कि सेवन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रेजेंटली गिवन स्ट्रक्चर में ओ के पास सेवन इलेक्ट्रॉन है कंबाइंड कंडीशन में। सेवन के साथ में रिपीट करूं कि थ्री पेयर आपको लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं और एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सिंगल बॉन्ड का वन इलेक्ट्रॉन ओ के साथ काउंट होगा और थ्री लोन पेयर के सिक्स, तो सिक्स प्लस वन सेवन, यानी कंबाइंड कंडीशन में ओ के पास सेवन इलेक्ट्रॉन है। तो इस वजह क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड कंडीशन कितना होता है सिक्स होता है ओ के पास, और कंबाइंड में कितने यहाँ पर हुए सेवन, तो सिक्स माइनस सेवन कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस वन, यानी इस ओ के पास माइनस वन चार्ज होता है। और आप देख रहे हैं क्लियरली साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो स्ट्रक्चर इस ओ की है वही हाल इनका भी है, तो इनके पास भी माइनस वन चार्ज इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्लियरली बता सकते हैं कि कार्बोनेट में कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, फॉर्मल चार्ज जीरो है। ऐसे इस ओ का आप देख लीजिए, यहाँ भी आपको जीरो मिलेगा, और जो सिंगल बॉन्डेड ओ होते हैं वहां पर आपका चार्ज माइनस वन और माइनस वन हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सारे फॉर्मल चार्ज का सम कितना होता है, तो मॉलिक्यूल या आयन पर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है। आप देख रहे हैं माइनस वन और माइनस वन नहीं मिलकर यहाँ पर माइनस टू आया हुआ है। इसका मतलब अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन कार्बोनेट आयन, तो अगर मैं टाइप पूछता हूं तो आप थ्री नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये जो सिंगल बॉन्डेड वो है दोनों एक ही जैसे होंगे, ये दोनों एक ही टाइप को गिने जाएंगे और डबल बॉन्ड वाला दूसरा टाइप गिना जाएगा। यानी कार्बोनेट आयन में टू टाइप के ऑक्सीजन एटम है, टू ऑक्सीजन एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड हैविंग माइनस वन फॉर्मल चार्ज एंड वन ऑक्सीजन इज डबल बॉन्डेड विथ जीरो फॉर्मल चार्ज। तो इस तरह से कार्बोनेट में कितने तरह के यहाँ पर ऑक्सीजन आपका आंसर हो जाएगा टू टाइप के ऑक्सीजन है। तो हमारा ख्याल है कि आप लोग इस तरह से बड़े आसानी से आप कोई अगर स्ट्रक्चर आपको दी गई हो, एक बात तो कोशिश करिए कि कोई भी स्ट्रक्चर हमको दी जाए, कोई भी अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला हमको दी जाए, कॉम्प्रेस्ड फार्मूला हमको दिया जाए, तो उसका स्ट्रक्चर डिटेल हमको करने आना चाहिए। और जब आप स्ट्रक्चर लिख पाए तो तुरंत वहां पे दो काम, दो क्या तीन काम आप बढ़ाए तो और अच्छी बात होगी। उसमें से काम क्या होगा, फॉर्मल चार्ज निकालना, जितने भी एटम्स हैं सब पर आप यहाँ निकालने की कोशिश करिए, फॉर्मल चार्ज को प्रैक्टिस करिए, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे बहुत ढेर सारा बेनिफिट मिलता है। जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म और पार्टी लेवल की बात करेंगे तो आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, नीट में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बोर्ड में रट के भले ही काम चल जाता है, लेकिन हम लोग रटने नहीं बैठे हुए हैं, हमको तो बात करनी है अपने आईटी लेवल की, नीट लेवल की। तो आप इसको पहले समझें। दूसरी बात क्या करना होगा, अगर हम स्ट्रक्चर लिखना सीख गए तो हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एटम पर हम उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन नंबर में बिना किसी दूसरे रूल्स के डिटेल में गए आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में दो तीन क्लास से पढ़ रहे हैं, लिखना आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। कुछ एक्सेप्शनल चीजें और बचेंगी तो जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली, तो वहां पर आएगा तो वहां देखा जाएगा। अभी के लिए पर्याप्त मैंने बता दिया है आपको, उसकी प्रैक्टिस करिए और जितने भी मॉलिक्यूल आपको मिले उनको खूब प्रैक्टिस करिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ किसी मॉलिक्यूल के किसी भी आयन के जितने भी एटम्स हैं सब पर फॉर्मल चार्ज की प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। अब इसके बाद दूसरी चीज हम लेने के आ जा रहे हैं कि अगर हमको स्ट्रक्चर मिल गई तो हमने अगली चीज क्या लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिया है। हमको यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट भी हर एटम का निकालने आना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी चीज होती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट में आप जानते हैं बड़े सिंपल से लेकर बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें आती हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो फार्मूले से नहीं निकाला जा सकता। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं कि जैसे मान लीजिए अगर हमको थायोनेट आयन की बात करनी है, थायोनेट आयन, तो थायोनेट असल में फार्मूला होता है सोडियम टेट्रा थायोनेट होता है, इसका फार्मूला होता है Na2S4O6, यही होता है, इसका होता है। तो अब इसमें करना क्या होगा, अगर इसमें मान लीजिए अगर मैं सल्फर का निकालता हूं अपने रूल से, फार्मूले से निकालता हूं, तो रूल हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि किसी मॉलिक्यूल के सारे एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होता है, जोड़ होता है, कितना होता है, तो उस चार्ज उस मॉलिक्यूल पर प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है।
हम सब लोग जानते हैं कि सोडियम हमारा एल्कली मेटल है, इस पर चार्ज हमेशा प्लस वन होता है। सल्फर का हमको नहीं पता है, इसका हम एक्स मान ले रहे हैं, और वो का हम लोग जानते हैं जनरली माइनस टू होता है। फार्मूला आप यूज कर दीजिए, एन ए टू का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा प्लस टू, एस का कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा प्लस फोर, और एन टू माइनस टू, ये मान लो हमारा हो जाएगा इस तरह से। ऐसा ही सल्फर का हमको जीरो में एक्स मानना पड़ेगा, हमको पता नहीं इसका निकालने चाह रहे, तो प्लस हमारा सल्फर का हम एक्स मान ले, हमारा फोर है तो फोर एक्स हो जाएगा, हम लोग का फोर एक्स हो जाएगा, और ओ का आप जानते हैं कि एक ओ का होता है माइनस टू, तो सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स और इंटू माइनस टू। तो इसी को हमको समझना है कि सारे हमने एटम का ओ एन लिख दिया और सबका इक्वल कितना होता है जीरो, सबको रूल पता है, इसी को सॉल्व कर लिया जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमको, यहाँ पर टू और प्लस फोर एक्स और माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, यहां से हम लोग को 4x इक्वल टू मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग को 10x इक्वल टू यहाँ पर मिल जाएगा हमको 10 बाई 4, यानी कि यहाँ पर 2.5 यहाँ पर मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिला, तो अगर इस फ्रैक्शनल स्टेट को एक्सप्लेन करना हो तो हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो अगर इसको आपको एक्सप्लेन करना हो और फ्लावर, अगर असल में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है आपके आईटी और आईटी मेंस में और उसमें नीट में भी, तो असल में इसमें क्या होता है, जो चारों यहाँ पर फोर जो सल्फर यहाँ पे हैं वो सब यहाँ पर एक जैसे नहीं है, ये सब डिफरेंट टाइप के हैं। और एक बात आप प्रेजेंट टाइम में याद कर लीजिए, बल्कि नोट कर लीजिए कि जब कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर आता हो तो समझ जाइए कि वास्तव में वहां पे जो मोर देन वन सेंट्रल एटम होते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट का वो एवरेज होती है, वो किसी एक पर, यानी किसी एक पर भी 2.5 चार्ज आप नहीं मिलेगा। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो होता क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट क्या होता है, तो किसी मॉलिक्यूल में एक एटम पर जितना चार्ज होता है वो जानते वही होता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और चार्ज कैसे आता है, तो आप जानते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से चार्ज आता है या तो फिर आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से चार्ज आता है। तो 2.4 प्लस 2.5 चार्ज का मतलब क्या हुआ, इसने 2.5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, तो 2.5 इलेक्ट्रॉन कैसे डोनेट करेगा भाई, भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 दे सकता है, 2.5 कैसे देगा या 2.75 कैसे देगा, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब जब कभी फ्रैक्शनल यहां पे आते हैं, स्टेट्स आती हैं, तो इसका सिंपल सा मतलब समझिएगा कि वास्तव में किसी एक एटम पर चार्ज नहीं है, क्योंकि 2.5 ढाई इलेक्ट्रॉन न तो दिए जा सकते हैं न ढाई इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या एक्सेप्टेंस हमेशा जो होता है आप जानते हैं होल नंबर में होता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 2.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, तो वास्तव में किसी 1 एटम पर चार्ज है नहीं। यहाँ पे जो 4 एटम आपको दिखाई पड़ रहे सल्फर के, उन सारे एटम पर जो चार्ज है उनके चार्ज का क्या है, एवरेज है। तो जब कभी भी आपको फ्रैक्शनल स्टेट दिखाई पड़े तो आपको समझना है कि कैसे मिलेगी, तो वास्तव में फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होगी। तो इस तरह से अगर आप इसको निकालना चाहें तो आप इस फार्मूले से जो अगर निकालेंगे तो आपको जो मिलेगा वो सिंपली एवरेज मिलेगा, और इस कंडीशन में आप इस बात को नहीं बता पाएंगे कि जो 4 सल्फर एटम्स हैं क्या सब डिफरेंट टाइप के हैं। आपको तो भाई इकट्ठे मिल गया कि हाँ 2.5 होता है, लेकिन अभी आप अगर स्ट्रक्चर लिखें तो आपको पता चल जाएगा वास्तव में ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ सल्फर पर कुछ चार्ज है, कुछ स्टेट है, और कुछ सल्फर पर कुछ अलग स्टेट है। तो इस तरह की बात करने के लिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पर कहेंगे कि जितने भी स्ट्रक्चर लिखिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करिए, वही मैं आपको बताने की कोशिश करने चल रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का आखिर मतलब क्या होता है, ये क्यों ली गई थी, थोड़ा सा इसमें आपको 2 मिनट इसकी हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा तभी बात क्लियर हो पाएगी। जैसे मान लीजिए हम सब लोग एक क्वेश्चन पढ़ते आए हैं बहुत जूनियर क्लास से ही, कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे अगर सोडियम के एटम, जो सोडियम सॉलिड है वो रिएक्शन करता है मान लीजिए क्लोरीन के गैसियस एटम से, तो हम सब लोग जानते हैं कि 2NaCl यहाँ पे सॉलिड बन जाता है इस तरह से, ये हम बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बनने का तरीका भी हम सब लोग जानते हैं कि सोडियम यहाँ जो होता है हम सब लोग जानते हैं कि चूंकि ये मेटल है तो इसकी आईपी वैल्यू जो होती हाई होती है, हम कह देते हैं कि सोडियम जो होता है वो इजिली अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है और ये बदल जाता है Na+ में। और जो Cl आप जानते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंसी हाई होती है, तो जिस इलेक्ट्रॉन को सोडियम यहाँ देता है उसे निकालता है उसी क्लोरीन यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद ये बदल जाता है Cl- में,
और इस तरह से हम बता सकते हैं कि जब यहाँ पे सोडियम सॉलिड और क्लोरीन पास पास आते हैं तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है और सिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl- बनाता है और दो अपोजिट चार्ज जब पास पास आते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाते सब यूनाइट हो जाते हैं और यूनाइट होकर हम जानते हैं कि NaCl का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरह से NaCl एक आयनिक कंपाउंड या आयनिक साल्ट बन जाता है। तो जब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना होता है तब तो हम बड़े आराम से एक्सप्लेन कर देते हैं कि जब कभी भी एक मेटल और एक नॉन मेटल एटम कंबाइन करते हैं तो मेटल एटम लूजेज इट्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म मेटल कैटायन एंड सिमिलरली जो नॉन मेटल एटम एक्सेप्ट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नॉन मेटल एनायंस एंड ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स बिटवीन मेटल कैटायन एंड नॉन मेटल एनायन टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि सोडियम से क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कभी भी एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मींस मेटल और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मींस क्लोरीन के बीच अगर बॉन्ड फॉर्मेशन की बात होगी वी कैन इजीली एक्सप्लेन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, ऐसा हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर मैं आयनिक बॉन्ड को छोड़ के अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड पे चला जाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केस बदल के ले लेता हूं, मान लीजिए यहां पर कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दीज टू गैसेस आर कंबाइनिंग टू फॉर्म द 2HCl, इसका फॉर्मेशन यहां पर हो रहा है। अच्छा, अब हम सब लोग जानते हैं कि HCl क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और जब HCl एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में हम लोग जानते हैं देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ड्यूरिंग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये H और Cl के बीच का बॉन्ड अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो हम सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है एंड यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन H ने दिया है शेयरिंग में और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया है, यहाँ पर HCl बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस तरह से कोवेलेंट मॉलिक्यूल में हम इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जब आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो वहां पर एक्सप्लेन हम कर पाए थे कि मेटल ने दिया या नॉन मेटल ने लिया, ट्रांसफर हो गया। लेकिन यहाँ तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की बात हो रही है एंड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, देयरफॉर वी कैन नॉट इजीली एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के समय इलेक्ट्रॉन के रूट को हम कैसे ट्रैक करें, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो असल में हम पढ़ने को जो भी पढ़ते रहिए आप, लेकिन वास्तव में ऑक्सीजन नंबर होती क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के समय जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का जो ट्रैक है, जो रूट है, उसी रूट को ट्रैक करने के लिए हमें ऑक्सीडेशन स्टेट की नीड यहाँ पर पड़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आप क्या बताएंगे, तो क्या होता है, इट इज द सिंपली द प्रोसेस टू ट्रैक द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के समय इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर का रूट है उसी को ट्रैक करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसी का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ये बेसिक पॉइंट होता है इसमें। और अगर आप इस डिफिनेशन को फॉलो करें तो बस एक पॉइंट बस आप याद करिए, और किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनका हम ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। और उसमें आपको याद क्या करना है, सिंपली से बात याद करिए, वो बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड में भले ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर बॉन्ड बनता है बट वाइल डिसाइडिंग एंड डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखिए क्या करना पड़ेगा, कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, याद रखिए, ऑल्दो दीज टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये दोनों के बीच शेयर हुए हैं, बट वाइल डिटर्मिनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन इट इज कंसिडर्ड दैट बोथ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर काउंटेड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। भले ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन H और Cl बीच इक्वली शेयर हुए हैं लेकिन हम जब ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तब क्या मानेंगे कि दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो Cl के साथ गिने जाएंगे। इतनी सी बात आपको याद रखना है, तो मैं बस एक लाइन लिख दे रहा हूं वो आप भी लिख लीजिए, और वो बात क्या है कि व्हाइल डिसाइडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाइल डिसाइडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट both the electrons of a covalent bond are counted with
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इतनी सी बात आपको याद रखना है और इससे हमें किसी भी मॉलिक्यूल के एटम का हम ओएस आसानी से फाइंड कर लेंगे, ओएन आसानी से फाइंड कर लेंगे कि भले ही वो शेयर में लगे हैं लेकिन जब हम ऑक्सीजन ग्रेड निकालेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंसीडर किए जाएंगे, काउंट किए जाएंगे। और इतना तो अंडरस्टूड है कि आप सब लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है पता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं भी पता है आपको, और पूरे पीरियाडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है भी आप जानते हैं। मैं इसी पे निकालना चाहूं, आप देख रहे हैं कि यहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, हालांकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एच का है, शेयर का है, चलो मैं इसको एक एच के इलेक्ट्रॉन को मैं दिखाता हूं क्रॉस से, तो एच इलेक्ट्रॉन हमने शो किया क्रॉस से और शेयर का हमने शो किया है डॉट से। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन जो लगे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के, हम सब लोग जानते हैं कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन सीएल के साथ कंसीडर किया जाएंगे। यानी हुआ क्या कि सीएल का अपना इलेक्ट्रॉन डॉट तो इसके साथ कंसीडर हुआ ही हुआ, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन सीएल के साथ कंसीडर हो जाएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सीएल के साथ अब कंसीडर हो रहा है। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा तो आप जानते हैं एटम के पास माइनस चार्ज आता है, इसलिए सीएल पर यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। और आप जानते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में एक एटम पर जो चार्ज होता है वही होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस तरह से सीएल का स्टेट कितना हुआ, माइनस हुआ। और आप देख रहे हैं कि आपने कहा कि दोनों इलेक्ट्रॉन सीएल के साथ कंसीडर हो गए, यानी एच वाला भी सीएल के साथ ही कंसीडर हुआ, तो इसलिए एच ने अपने एक इलेक्ट्रॉन वास्तव में यहाँ पे दिया ऐसा मान लीजिए, तो एच पे कितना चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर प्लस वन चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के समय इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है उसी का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसी का नाम होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीजन स्टेट भी उसको हम कहते हैं, और उसको इसी प्रिजम्पशन के बेस में आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हम थोड़ा सा केस को कॉम्प्लेक्स करते हैं। हम यहां पे फास्फोरिक एसिड को ले लेते हैं, H3PO4 में एग्जांपल दिया था आपको, इतना सबको आता ही है कि अगर हम बात कर रहे हैं H3PO4 फास्फोरिक एसिड की, स्ट्रक्चर आप लोग फर्स्ट बना लेंगे, हमें पता है कि फास्फोरस आपका हो गया सेंटर एटम, ये हो गया सेंटर एटम, और यहाँ पे थ्री आप देख रहे हैं आपके पास एच है, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, थ्री यहाँ पे तो ओएच लग जाएगा। बताया गया अभी क्या था कि जो सिंगल सेंटर एटम वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें एच इक्वल टू होता है ओएच अगर पराक्साइड लिंकेज ना हो तो, यहाँ क्योंकि कोई पराक्साइड लिंकेज यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पे थ्री आपने यहाँ पर ओएच लगा देना है इस तरह से, और आपकी जो एक ओ बच गई ये क्या हो गया, ये डबल बॉन्डेड ओ हो गई, ये हमारा H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है। अब मान लीजिए हमको इस पी के साथ या ये जितने भी ओ हैं सबका हमको ऑक्सीजन स्टेट निकालना है, चलो पी का निकाल के देखते हैं, पी पे कितना है, तो देखो सिंपली बात याद रखिए, हमने क्या कहा कि जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिखे वहीं पे आप स्टिक करो। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लाइज बिटवीन ऑक्सीजन एंड फॉस्फोरस एंड ऑल्सो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये लाइज करती है। तो होगा क्या कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब होगा तो हम क्या करेंगे कि बॉन्ड के दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसमें काउंट किए जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ काउंट किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर देखिए अगर मैं पी के इलेक्ट्रॉन को दिखाता हूं, मान लीजिए मैं डॉट से दिखाता हूं, इसका मतलब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पी का है डॉट से दिखाया, सॉरी क्रॉस से दिखाया है, और एक इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से दिखा दिया। ऐसे आप यहां भी इसे दिखा सकते हैं, ऐसे हम यहां भी दिखा रहे हैं, यहां टू बॉन्ड्स हैं तो यहां वैसे आप दोनों पे दिखा लीजिए इस तरह से। तो अब क्या किया जाएगा, चलो मैं इस बॉन्ड की बात करूं, तो इस बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पी का और एक इलेक्ट्रॉन ओ का है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के कैलकुलेशन के पर्पस के क्या मानेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर ओ के साथ कंसीडर किए जाएंगे। याद रखिए बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी कंसीडर्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस ओ के साथ काउंट किए जाएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन में से एक का, एक तो ओ का था उन्हें अपना लिया और एक पी का भी ले लिया, इसका मतलब इस बॉन्ड के नाते पी पे कितना चार्ज आएगा, तो आप कह सकते हैं प्लस वन, इस बॉन्ड के नाते पी पर प्लस वन चार्ज आएगा, क्योंकि इस बॉन्ड को बनाने में पी ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था और इस इलेक्ट्रॉन को भी हम ओ के साथ कंसीडर करने लग गए, इसके नाते पी पे कितना चार्ज आ गया, प्लस वन आ गया। अब ऐसे ही आप इसकी बात भी कर सकते हैं, इस बॉन्ड के नाते भी पी पर आपका प्लस वन चार्ज आएगा, क्योंकि यहां पर पी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में दिया था शेयरिंग में, जबकि काउंटिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन आपने ओ के साथ काउंट कर लिया, तो इस तरह से इस बॉन्ड के नाते भी अब आपका पी पर प्लस वन चार्ज आएगा।
इसका मतलब देखो बड़ी सिंपल सी बात दिखाई दे रही है कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो जितने बॉन्ड चार्ज आया, अब इसके पास आइए यहाँ वही बात है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक ही बॉन्ड है, इसके नाते भी आपका क्या आएगा यहाँ पर प्लस वन चार्ज आएगा, और इसी तरह देख रहे हैं यहाँ पर क्या है यहाँ पर टू बॉन्ड्स हो गए और ये भी ओ भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या बनेगा आप क्या क्या दिखाई पड़ रहा है आपको साफ साफ कि इस दो बॉन्ड के नाते दो प्लस चार्ज इस पी पर आएंगे। तो इस तरह से अगर हम टोटल देखना चाहें कि हमारे पास जो कुल मिला के फाइव बॉन्ड्स बने हुए हैं और फाइव बॉन्ड्स के नाते आप देख रहे हैं कि इसके नाते प्लस वन, इसके नाते भी प्लस वन, इसके नाते भी प्लस वन और इसके नाते प्लस टू चार्ज पी पर आएगा, यानी पी का स्टेट कितना हुआ प्लस फाइव, यानी फास्फोरस यहां पर प्लस फाइव स्टेट में है। इस तरह से आप सारे ओ के बारे में बता कर सकते हैं, सारे बता आपका मैं इसकी बात करूं ओ एच बॉन्ड आपका है तो आप देख रहे हैं ओ जो है फास्फोरस से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एच से भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप जानते हैं कि एक बॉन्ड से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में कितना चार्ज आता है माइनस वन आता है और लेस पे कितना आता है आप जानते हैं प्लस आता है। याद रखिए जितने बॉन्ड बने हों उन बॉन्ड के नाते लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर हमेशा आता है प्लस चार्ज उस बॉन्ड के बराबर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आता है माइनस चार्ज। आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो एक तरफ अपने लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पी के साथ जुड़ी है, एक तरफ एच के साथ जुड़ी है, यानी टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ वो जुड़ी हुई है, इस लोग पे कितना चार्ज आएगा माइनस टू आएगा, यहाँ पर स्टेट कितना बनेगा माइनस टू स्टेट मिले, एच का कितना होगा आप बहुत आसान करते हैं यहाँ पर प्लस वन होगा। तो इस तरह से किसी का भी हम आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इजीली यहाँ पर हम फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर हमको स्ट्रक्चर अगर मिल जाए तो हम स्ट्रक्चर की हेल्प से चाहे हमसे कोई फॉर्मल चार्ज पूछ ले और चाहे कौन सा एटम कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जनरली आवश्यकता पड़ती है सेंट्रल एटम की ही, फिर भी आप चाहे तो किसी का भी आसानी से निकाल सकते हैं। करना इतना सा है कि जहां कहीं भी आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दिखे बस समझ लो कि अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो इस सिंगल बॉन्ड के बनाने में टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लगे होंगे, तो टू इलेक्ट्रॉन्स वास्तव में दोनों एटम के हैं शेयरिंग में लगे हुए हैं, बट ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में नहीं गिने जाएंगे बल्कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंसिडर कर लिए जाएंगे, और जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंसिडर कर लिए जाएंगे तो रिजल्ट क्या होगा कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे आ जाएगा माइनस वन चार्ज और लेस पे आ जाएगा आपका प्लस वन चार्ज। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी मॉलिक्यूल पर हम आसानी से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम चाहे तो फॉर्मल चार्ज निकाल लें या ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर आसानी से हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर लूं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं इसको, मान लीजिए हमारे पास यहां पर ये स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर हमारे सामने मान लीजिए है और हमको यहां पर किसी पर हमको स्टेट मान लीजिए यहां पर हमको असाइन करना हो तो हम यहां पे क्या करेंगे, या मान लो हम इसको अभी इसको हटा के बात करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ये तो अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे अगर लिखता हूं, अगर मैं कहूं कि यहां पर हमारे पास है S4O6-2, अगर हम इसे ऐसे करें और अपना रूल लगा के और हम इसको अगर कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग सब जानते हैं क्या होता है रूल कि अगर कोई हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन है तो क्या हम रूल पढ़े हैं कि सारे जो कंपोनेंट एटम्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर का सम प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है, ये रूल हमारा होता है। रूल क्या है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द कंपोनेंट एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट कॉम्प्लेक्स आयन, ये रूल हम लोग पढ़े हैं। तो मान लीजिए सल्फर का हमको नहीं पता है, सल्फर का हम एक्स मान लेते हैं तो उनका ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और वो का हम सब जानते हैं कि माइनस टू जनरली होता है तो छह का कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, यहाँ पर 4x और -12 इक्वल टू हम लोग हो जाएगा -2। तो इस तरह से 4x इक्वल टू हमें पहले निकाल के दिखाया था आपको, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10, x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2.5, ऐसा होगा।
लेकिन देखिए जरा सामने आप पहले बता दिया था आते आते कि जब कभी भी फ्रैक्शनल स्टेट दिखाई पड़े तो हम समझेंगे कि वास्तव में किसी एक एटम का रियल स्टेट नहीं है, बल्कि है क्या चीज, वो जितने भी इसके सेंट्रल एटम्स हैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो एवरेज है। अब देख कैसे इसे बताते हैं। चलिए हम पहले हम इसकी बात करें, इस सल्फर की बात करें। तापी सल्फर को आप देख सकते हैं बहुत आसानी से कि इस सल्फर ने इधर अपने मोर अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओ के साथ यहाँ पे टू बांड बनाए हुए हैं, इधर भी इसने टू बांड बनाए हुए हैं, इधर आप देख रहे हैं वन बांड बनाया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सल्फर है ये अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ के साथ कितने बांड बनाए हैं, टू प्लस वन प्लस टू फाइव बांड बनाए हैं। तो अगर मैं इसकी अगर बात अलग से करूं देखिए ऐसा, तो इन दोनों बांड की वजह से कितना चार्ज इस पर आएगा, प्लस टू। आप जानते हैं कि कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जितना बांड बनाता है उतना ही प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर आता है। तो इस तरह से यस आपका हुआ है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां पर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस टू, ना प्लस टू आ जाएगा, यानी इस बांड की वजह से यहां पर आएगा चार्ज प्लस टू। अब देखिए इधर भी इसने डबल बांड बनाया हुआ है अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओ के साथ, तो इसके नाते भी आप कह सकते हैं कि यहां पर प्लस टू चार्ज आएगा। और इधर आप देख रहे हैं इधर भी इसने सिंगल बांड बनाया हुआ है अपने से अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन के साथ, तो इधर भी आपका यहाँ पर प्लस वन चार्ज आ जाएगा। अब इधर देखिए इधर आइए आपका सल्फर है हुआ, तो यहां जो सल ये भी सल्फर ये भी सल्फर दोनों सिमिलर एटम हुए। हाँ, लेकिन कभी कभी सिमिलर एटम होने पर भी आप जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है, और वो फैक्टर कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या हो जाएगा कि आप देख रहे हैं कि जो जब सल्फर यहाँ पे बाइवेलेंट होता है, यहाँ पे दो लोन पेयर होते हैं इस तरह से, और हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता ही है। और हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर कर दीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, वन एंड वन, यहाँ पे टू देखिए आपके सिग्मा बॉन्ड्स हो गए, और लोन पेयर कितने हो गए, टू, तो टू टू सिग्मा बॉन्ड टू लोन, कितना फोर हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम जब फोर पाते हैं तो फोर पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3 होता है। तो सबको पता है आपका यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसे निकलेगा कि आप सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड कर दीजिए, और आप जानते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम जब चार आता है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखिए 3+1 को हाइब्रिडाइजेशन आता है। इस सल्फर पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि sp3 टाइप का ही हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर कि ये सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सल्फर भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इस तरह से दोनों सल्फर में सेम हाइब्रिडाइजेशन है, सेम एटम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। तो इस तरह से रिजल्ट क्या होगा, ये दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए शेयर का इलेक्ट्रॉन किसी एक के साथ काउंट नहीं किया जाएगा, यानी इसके नाते इस पर कोई प्लस चार्ज नहीं आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस सल्फर पर स्टेट कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस टू प्लस टू प्लस वन, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर प्लस फाइव, यानी ये जो सल्फर आपका है वो प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जो स्ट्रक्चर इस सल्फर की है वही यहाँ पर भी है, तो इस सल्फर का भी आप कह सकते हैं कि प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट ही होगा, जैसे यहां निकाला वैसे इसका निकल जाएगा। अब मैं इस सल्फर की बात करूं, इस सल्फर की बात करूं, आप देख रहे हैं ये भी sp3 हाइब्रिडाइज सल्फर है, मतलब तीन यहाँ पे चारों के चारों सल्फर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज ही है। तो इस तरह से अगर सारे अगर एटम सल्फर के अगर sp3 हाइब्रिडाइज ही है तो ये सब क्या है, आपस में सिमिलर एटम के साथ जुड़े हुए हैं, और जब सिमिलर एटम के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं आएगा, यानी इस सल्फर पर कितना चार्ज आएगा, जीरो, इसका स्टेट हो जाएगा जीरो, और इसका भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि ये दोनों सल्फर भी सिमिलर हैं, ये दोनों सल्फर भी सिमिलर हैं, और ये दोनों भी सिमिलर हैं, इसलिए यहाँ पर सल्फर पे कोई यहाँ पर चार्ज नहीं आएगा, यानी इनका स्टेट हो जाएगा जीरो। इसका मतलब असल में आपके सामने जो एग्जांपल लिखा हुआ है कि टेट्राथायोनेट आयन का एग्जांपल है, यहाँ पर टेट्राथायोनेट बड़ा स्पेशल केस है, बार बार पूछा गया, याद रखिए आयन है, और इसमें चार आपको डिफरेंट सल्फर दिखाई दे रहे हैं, और ये चारों सल्फर देख रहे हैं सब पर इक्वल चार्ज नहीं है, इसमें से दो सल्फर पे प्लस फाइव एंड प्लस फाइव चार्ज है या स्टेट है, ऑक्सीजन स्टेट है, जबकि रिमेनिंग टू पे यहाँ पे जीरो चार्ज है, मतलब जीरो ऑक्सीजन स्टेट है। तो फिर 2.5 आया कैसे, तो सबका एवरेज निकाल लीजिए, तो इस सल्फर का कितना हुआ, यहाँ पर हो गया प्लस फाइव, इसका कितना हुआ जीरो, इसका कितना हुआ, इसका भी हो गया जीरो, इसका कितना हुआ अगेन प्लस फाइव, अब कुल कितने हैं, फोर सल्फर एटम्स हैं, तो पान फोर कर दीजिए, ये हमको कितना मिल जाएगा, ये हमको मिल जाएगा 10/4 यानी कि 2.5। तो इस तरह से हम आसानी से बता सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आया।
तो कैसे आया ये 2.4 2.5, असल में क्या है इन चारों सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या है, एवरेज है। तो जब कभी भी आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर मिले तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वहां पर क्या है, वो फ्रैक्शनल ऑक्सीजन कहाँ से आया है। तो मोर देन वन वहां सेंट्रल एटम होंगे और सबका क्या होता है, वो एवरेज होता है। इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को भी बड़े आसानी से एक्सप्लेन कर पाएंगे। इस पर कई तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे पूछा गया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सल्फर एटम आर प्रेजेंट इन सोडियम टेट्राथायोनेट या टेट्राथायोनेट आयन सो फार एज ऑक्सीडेशन स्टेट इज कंसर्न। तो आप देख रहे हैं दो तरह के सल्फर हैं, एक ऐसा सल्फर है जिसके पास प्लस फाइव चार्ज है, ऐसे दो हैं प्लस फाइव वाले, और दो ऐसे हैं जिनके पास कितना है खाली जीरो जीरो चार्ज है। तो इस तरह से अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो जितने भी केस हमने आपको इसके पहले बताए थे, चाहे वो सिंपल मॉलिक्यूल थे, चाहे वहां पर मोनो सिंगल सेंट्रल एटम वाले आपके ऑक्सी एसिड थे, चाहे वो बिना पराक्सी एसिड वाले हों, चाहे विद पराक्सी लिंकेज वाले हों, चाहे टू सेंट्रल एटम वाले ऑक्सी एसिड्स हों, चाहे कोई भी कैसी भी कॉम्प्लेक्स केस हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आ जाए ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो उन सारी केस को स्ट्रक्चर की मदद से आसानी से आप डिस्कस कर सकते हैं। हमने कई केस आपको बता दिया है, आप इसको ढंग से ट्राई करिएगा। जितने भी आपने अब तक स्ट्रक्चर देखे सबको आप ट्राई करिए, जो मिल जाए सबको ट्राई करिए, और सारी के सारी केसेस बहुत आसानी से डिस्कस हो जाती हैं। फिर अगर कुछ ऐसा मिलता है तो इस पर मैं और कुछ क्वेश्चन लेकर के अगली वीडियो में एक्सप्लेनेशन में दूंगा। तब तक इतना अगर आप कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल पर आपको मास्टर लेवल कमांड मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।